नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑल नॉलेज ब्लॉग में। बारिश का मौसम आते ही नदियों, तालाब और झरनों में पानी भर जाता है और चारों तरफ हरियाली से भर जाता है। तब हमें प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे घास के मैदान ही देने लगते हैं। लेकिन जब नदियों में बाढ़ आती है, चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। घर, मकान, जमा पूंजी सभी बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। लेकिन इससे प्रभावित राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार और आसाम में तबाही मचाती है। सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार की बात करें, बिहार में गंगा नदी और कोसी नदी भारी तबाही लेकर, और वहीं आसाम की बात करें तो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी अकेले ही काफी है, जो की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों से होकर आती है, जो की काफी तेज बहाव के साथ अपने साथ गाद लेकर आती है और जो भी सामने आती है उसे बहा कर ले जाती है। लेकिन बिहार में कहानी कुछ अलग। गंगा बिहार में आते आते मैदानी भाग में आ जाती है, जिससे इसकी रफ्तार कम जाती है। लेकिन बाढ़ लाने का असल कारण मानसूनी नदियां हैं। जब मानसून के सीजन में बारिश अधिक होती है, तब दर्जन भर नदियां दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग से हिमालयी नदियां आकर गंगा में गिरती है और काफी तेज गति से गिरती है, जिससे गंगा के मुख्य धारा को प्रभावित करती है और ढेर सारा पानी लाती है और किनारों को पूरी तरह से पानी से भर देती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके उदाहरण के लिए हम अगर कोसी और गंडक को लें, कोसी की बात करें तो यह काफी ऊंचे स्थान हिमालय पहाड़ी नेपाल से होकर विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई गंगा में आकर कटिहार के पास गिरती है, और जब यह अपने पूरे फ्लो में होती है तो यह मुख्य धारा को कुछ देर के लिए प्रभावित करती है, जिससे पानी इससे पिछले इलाकों में भागलपुर से मुंगेर, लखीसराय, पटना तक पानी जमा हो जाता है और जल का स्तर काफी बढ़ जाता है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाता है। अगर हम बिहार का शेप देखें तो यह एक कटोरे जैसा है। उत्तर में ऊंचा और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण दोनों भाग ऊंचा है और ठीक इसके बीचों बीच गंगा नदी बहती है, जो कि दक्षिणी और उत्तरी सतह के मुकाबले गहरी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण नेपाल से पानी छोड़ा जाना है। पिछले साल भी घरों में पानी घुस जाने के कारण काफी क्षति हुई। हालांकि अभी जल स्तर के निशान से बहुत नीचे है। अभी हम जहां खड़े हैं यहां से 2 मीटर नीचे है पानी का स्तर, और संभावना है कि 5 से 6 दिनों के अंदर जल स्तर में काफी तेजी से वृद्धि होगी। अगर पिछले साल की बात करें तो सड़कों पर पानी बहने लगा। गंगा नदी के दूसरे छोर की बात करें, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 3 से 4.5 किलोमीटर तक चौड़ी है। सामने कुछ मछली पकड़ने वाले लोग हैं। यहाँ सामने जो आप नाव देख रहे हैं, इसी नाव पर चढ़ के ग्रामीण उस छोर जाते हैं या बीच में आइलैंड पर जाकर कृषि और पशुपालन का काम करते हैं। अभी जलस्तर वृद्धि होने के कारण सभी पशु को लाते रहेंगे, सुरक्षित क्षेत्र पर ले आए हैं। समाज सेवी रमन, उन्होंने कहा, पिछले वर्ष हमने मवेशी के चारे की व्यवस्था पूर्व विधायक की मदद से की थी। और भी सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इससे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे लाइक कर दें।